एक नेता जो थानेदार की नौकरी छोड़कर किसान बना, चुनाव लड़ना था लेकिन जब मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन चुनाव तो लड़ना था। फिर पत्नी से 10 रुपए लिए और सीधा सीकर पहुंच गए। वहां पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट गए। उसके बाद ना सिर्फ चुनाव जीता बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति के पद तक भी पहुंचे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाबूसा यानी भैरव सिंह शेखावत के बारे में। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद भैरव सिंह शेखावत खेती किसानी करने में लग गए। 1952 की बात है, देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे। हर जगह कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के राजघराने और जागीरदार कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में जनसंघ राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ था। बता दें उस समय लाल कृष्ण आडवाणी राजस्थान में जनसंघ का काम देखते थे। वो जनसंघ के लिए अच्छे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे थे। इसी तलाश में उम्मीदवार ढूंढते हुए आडवाणी सीकर में बिशन सिंह शेखावत के घर पहुंचे। बिशन सिंह शेखावत उस टाइम आरएसएस से जुड़े हुए थे। इस दौरान बिशन सिंह की आडवाणी से अच्छी मित्रता थी। घर पर बैठकर बातें करते हुए बातों बातों में आडवाणी ने बिशन सिंह शेखावत से चुनाव लड़ने के लिए कहा। आडवाणी बोले, जनसंघ आपको सीकर की दातारामगढ़ सीट से चुनाव लड़वाना चाहता है। इस बात पर बिशन सिंह बोले, मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब आडवाणी नहीं माने तो बिशन सिंह बोले कि आप मेरे भाई को चुनाव लड़वा दो। बिशन सिंह के भाई का नाम था भैरव सिंह शेखावत। घर जाकर बिशन सिंह ने भैरव सिंह को कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तैयार हो जाओ। बता दे उस समय भैरव सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उनकी जेब पूरी तरह से खाली थी। फिर वो अपनी पत्नी सूरज कंवर के पास पहुंचे और उनसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगे। उनकी पत्नी ने उन्हें निराश नहीं किया और हाथ में 10 रुपए पकड़ा दिए। वो 10 रुपए लेकर भैरव सिंह सीकर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुट गए। अपना पहला चुनाव भैरव सिंह शेखावत ने 9972 वोटों से जीता। कहा जाता है कि इस पूरे चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने सिर्फ 38 रुपए खर्च किए थे। भैरव सिंह शेखावत ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था, उन्हें नौकरी से निकाला गया था क्योंकि उनके ऊपर मारपीट का आरोप था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत सीकर शहर के एक हरदयाल टॉकेज से शुरू हुई थी। एक दिन की बात है, भैरव सिंह शेखावत भवानी सिंह खुड़ी, बलवंत दान कविया और फतेह सिंह शेखावत के साथ टॉकेज पहुंचते हैं, जहां मैनेजर के साथ उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जब ये बात टॉकेज के मालिक तक पहुंचती है तो उन्होंने इस बात की शिकायत सीकर रियासत के राव राजा कल्याण सिंह से कर दी। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भैरव सिंह शेखावत को तलब करते हुए कहा कि या तो इस्तीफा दे दो या फिर मुकदमा झेलो, जिसके बाद भैरव सिंह शेखावत ने इस्तीफा दे दिया और गांव में खेती करने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि उन पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे थे, ना ही उन पर कोई इंक्वायरी चल रही थी। बता दे भैरव सिंह शेखावत ऊंट पर बैठकर चुनाव प्रचार करने जाते थे और प्रचार में वीर रस की कविताएं सुनाया करते थे। जब वोटिंग हुई थी तो सीकर की दाताराम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन भैरव सिंह शेखावत अच्छे खासे वोटों से जीतने में कामयाब रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलूंगे ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।